Hey guys, मेरा नाम है अभिनीत और आज की वीडियो है बैटिंग टिप्स के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बैटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है या कुछ है, बट कुछ पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आपके पास कुछ पॉइंट्स है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मेरी भी बैटिंग सुधर जाएगी इसी बहाने। और आई थिंक अगर कहीं आपकी कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं उसमें हेल्प कर सकूँ तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। और कमेंट्स में भी मुझे किसी ने कहा था कि बैटिंग के बारे में कुछ वीडियो बनाइए, तो ये भी एक रीज़न है इस वीडियो को बनाने के बारे में। एक्चुअली ये वीडियो मैं 2-3 बार बना चुका था पहले, बट वीडियो की लेंथ आ रही थी 25 से 30 मिनट और मैं इतनी लंबी वीडियो ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ये छोटी वीडियो बने, इसीलिए जो पॉइंट्स हैं वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा। अगर कोई पॉइंट आपको लगता होगा कि प्रॉपरली ज़्यादा बढ़िया तरीके से या लंबा डिस्कस होना चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, उसका फिर आगे सोचेंगे कैसे करना है। तो आई थिंक मैं जो मेन टॉपिक्स है उसको ऊपर ऊपर से ही लूँगा, आप आई होप समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यार इस वीडियो को। अच्छा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहली बात बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे वीडियो को सॉरी अपने बैटिंग को इजी नहीं करने वाला हूँ, मैं नॉर्मल सी बात करने जा रहा हूँ। इससे ये नहीं होगा कि आपकी हर बॉल पे छक्का या चौका पड़ेगा, वो हमसे भी नहीं होता। तो उसका तो बेस्ट वे है लेवल बिल्कुल ईजी कर दीजिए। सिर्फ इससे यही होगा कि यार थोड़ी सी बैटिंग मज़ेदार हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये मेरे तरीके हैं, आपके साथ ये चले ना चले उसमें भी मैं इतना श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक चल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है यार। तीसरी बात जो मेन बात है वो ये है कि ये जो सब कुछ है वो क्लासिक कंट्रोल्स के हिसाब से चलेगा। स्टैंडर्ड कंट्रोल से मैं नहीं खेलता, टॉन ब्रेडमैन 14 से मैं खेलता आ रहा हूँ, ये वाली बिग एंड्स की क्रिकेट, तो क्लासिक कंट्रोल पे ही हाथ बैठा हुआ है। वैसे तो कंट्रोल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट बाय चांस अगर आती है तो आई थिंक वो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं यार क्या है मेन चीज़ें। तो सबसे पहले मैं चलिए इधर ही आ चुका हूँ, तो सबसे पहली बात जो मुझे लगती है, वापस जाते हैं यहाँ से, नहीं सबसे पहली बात जो मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ वो है स्लाइडर्स। उसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला हूँ, बट मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर आप बैटिंग की किसी एक चीज़ में स्टक है तो मेरे ख्याल से स्लाइडर्स आपके लिए बेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बाकी सब कुछ सही चल रहा है लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ आ रही है आपको टाइमिंग में, तो आप यहाँ से अपनी शॉर्ट टाइमिंग डिफ़िकल्टी चेंज करके देख सकते हैं आपको कौन सी बैटर सूट करती है। अपना एग्जांपल दूँ तो अभी हमने हार्ड डिफ़िकल्टी पे खेलना शुरू किया है, टाइमिंग मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए प्रॉब्लम है कि भैया हमारी पावर इतनी अच्छी नहीं आती। तो ये पावर बूस्ट टाइमिंग विंडो हमारी सिर्फ 15 की है और फुल टॉस पे जरूर 36 तक जाती है, तो अगर कुछ मैचों के बाद भी ऐसी प्रॉब्लम रहेगी तो इसको मैं इनक्रीज़ कर दूंगा। तो आई थिंक यही है इसमें, ज़्यादा मैं स्लाइडर्स में नहीं जा रहा हूँ, ऑलरेडी मैं इसको काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका था पिछली वीडियो में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ओवरऑल डिफ़िकल्टी चाहे अपनी हार्ड रख दीजिए बट बैटिंग की डिफ़िकल्टी कम कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम आपको बैटिंग में ज़्यादा आ रही है। उसके बाद बात करते हैं भैया फुटवर्क की। फुटवर्क जो है इस गेम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर एशेज से कंपेयर किया जाए। फुटवर्क मेरे हिसाब से जो चल रहे हैं आपके हार्ड और मीडियम पिच है अगर, तो बैक फुट पे भी आपको शॉट्स खेलने पड़ेंगे। इवन गुड लेंथ की बॉल भी आप बैक फुट पे खेल सकते हैं, एशेज में ऐसा नहीं था बट इसमें है, चाहे वो स्पिनर ही क्यों ना हो आप खेल सकते हो, इनफैक्ट आपको खेलने पड़ेंगे क्योंकि पेसर्स की आप गुड लेंथ की बॉल हार्ड पिच में फ्रंट फुट पे खेल ही नहीं सकते हो, तो बैक फुट पे भी आपको कमांड बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी पिच सॉफ्ट या वेरी सॉफ्ट है तो आई थिंक आप फ्रंट फुट पे आराम से खेल सकते हो, और अगर आपकी प्रॉब्लम फुटवर्क से रिलेटेड है तो कोशिश कीजिए कि अपने कुछ मैचेस शुरू के जो है सॉफ्ट या वेरी सॉफ्ट पे खेलिए और अपना फ्रंट फुट बैटर कीजिए, उसके बाद बैक फुट पे जाइए, क्योंकि हार्ड पिच में तो आपको बैक फुट पे खेलना ही पड़ेगा, फ्रंट पे भी खेलना पड़ेगा बैक पे भी खेलना पड़ेगा। तो अगर आपको फुटवर्क्स प्रॉब्लम दे रही है तो कोशिश कीजिए कि भैया पिच जो है अपनी सॉफ्ट लीजिए या वेरी सॉफ्ट ले लीजिए। वेरी सॉफ्ट में तो आप फ्रंट फुट पे आराम से क्रिकेट खेल सकते हो इस गेम में, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, अनलेस अनटिल शॉर्ट बॉल आती है तो उसमें तो डेफिनेटली आपको बैक फुट पे जाना ही पड़ेगा। उसके बाद की जो बात है वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, पहले अपना प्लेयर लेते हैं कोई, चलिए विराट कोहली को ले लेते हैं। तो बैटिंग स्टाइल बहुत मैटर करती है,
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि बैटिंग स्टाइल 5 बेस्ट बैटिंग स्टाइल है, और उसका रीज़न भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आप स्टाइल 1 देखिए, कोहली ने वहीं खड़े खड़े शॉट खेला है, स्टाइल 2 पे भी वहीं खड़े होके खेला है, 3 पे भी, 4 पे भी, लेकिन 5 में देखिए वो शफल होके खेले हैं, हल्का सा शफल होके खेले हैं। और जो AI कह लीजिए, आप कंप्यूटर कह लीजिए या गेम के प्लेयर कह लीजिए, वो ऑफ स्टंप के बाहर ज़्यादा बॉलिंग रखते हैं, तो अगर आप हल्का सा आपका प्लेयर शफल करके खेल रहा है तो वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा रैदर देन बाकी स्टाइल से। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप स्टाइल 2-1 किसी से ज़्यादा बेटर खेले, बट मुझे हमेशा से, पिछली गेम में ही आया था एशिज से, तब से स्टाइल 5 से बैटिंग मुझे मच बेटर लगी है, ईजी लगी है कंपेरिजन टू अदर स्टाइल्स। और दूसरी चीज़ जो मैं बताता हूँ इस गेम में ज़रूरी है, वो है हल्का सा शफल वैसे भी कर लीजिए, एक साइड शफल ऑफ स्टंप के कर लीजिए, हल्का सा कीजिएगा, ज़्यादा ना कर लीजिएगा, और बाकी आपका प्लेयर भी थोड़ा शफल करेगा, उससे आप ग्राउंड के हर तरफ शॉट खेल पाएंगे बहुत ईजली, अदरवाइज थोड़ी मुश्किल रहेगी, क्योंकि पता नहीं यार इस गेम में जो बॉलर है वो बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर बॉल कराते हैं, और शुरू में बहुत एजेस की मैंने विकेट्स गिराई है ऐसे, मैं शफल नहीं करना चाहता था, बट अल्टीमेटली मैं शफल करके ही खेलना शुरू हुआ, तो उससे बहुत ज़्यादा बैटिंग जो है वो ईजी होगी, बेटर होगी, जो कहना चाहते हैं आप वो होगी। उसके बाद जो चीज़ मैटर करती है वो है स्किल्स। स्किल्स में करियर मोड की अगर बात की जाए तो मैं अपने प्लेयर क्या शुरू में अटैकिंग, ड्राइव, कट, इन चीज़ों पे ध्यान दे रहा था, बट अगर वाकई आपको बैटिंग अपनी बेटर करनी है, अच्छी करनी है, तो मेरे हिसाब से ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंट्रोल। फुटवर्क भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रोल है, ज़्यादा अपना जो आपके XP मिल रही है वो कंट्रोल पे स्पेंड कीजिए। और मैं इसका रीज़न भी यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप चेक करेंगे अटैकिंग से सिर्फ आपके अटैकिंग शॉट्स जो है वो बेटर होंगे, बाकी हम सारे शॉट्स अटैकिंग नहीं खेलने वाले हैं, उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो देखिए आपके जो शॉट आप ग्राउंडेड शॉट खेल रहे हैं वो बेटर रहेंगे ग्राउंडेड, ऐसा नहीं होगा ग्राउंडेड शॉट खेल रहे हो वो भी हवा में चला जाएगा, कम होगा, और अगर आप हवा में खेल रहे हो तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि फील्डर इनर फील्डर को क्रॉस कर जाएगा। सेम चीज़ आगे शॉर्ट ट्रेजेक्ट्री, जहाँ पे आप एग्जैक्टली खेलना चाहते हो लगभग वैसा ही खेलोगे, ये नहीं है ऑफ साइड पे आप थोड़ा मिड ऑफ की तरफ खेल रहे हो या कवर्स की तरफ खेल रहे हो और शॉट आपका कहीं और की तरफ जा रहा है, तो वो भी इम्प्रूव होगा। तो कंट्रोल मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है बैटिंग के लिए। उसके बाद बात आ जाती है फुटवर्क की। फुटवर्क में ये है कि बैटर पोजीशन पे रहेगा बैट्समैन शॉट खेलने के लिए, ये दोनों चीज़ें आप बढ़ाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। करियर मोड में हमारे बैट्समैन को बहुत ज़्यादा हुआ है, तो आई होप आपके बैट्समैन को भी ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो कहाँ आगे हम पर्क्स पे, पर्क्स आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर्क्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे याद है कि मैंने ये देखिए, इन्हें बैटिंग मास्टर का पर्क लगा हुआ है और इनका कंट्रोल और अटैकिंग कितना ज़्यादा बढ़ गया, उससे वैसे ही इनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जो दो पर्क्स मुझे सबसे सही लगते हैं, एक तो ये है ग्रेट टेक्निक वाला, करियर मोड में आई थिंक गुड टेक्निक वाला अभी तक ओपन होगा, शायद आगे जाके ग्रेट टेक्निक वाला हो जाएगा। स्पेशल शॉट्स इस गेम में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग खेलते हैं या एडवांस शॉट बहुत ज़्यादा खेलते हैं, नॉर्मल शॉट्स ही खेलते हैं, तो वो आई थिंक इससे मच बेटर रहेगा। ग्रेट टेक्निक वाला पर्क अगर लग जाता है, ग्रेट शॉट मेकर भी दूसरा, इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी डिफेंडिंग डिक्रीज होगी, बाकी हर चीज़ बढ़िया हो जाएगी। और भी पर्क्स है, आराम से पर्क्स पढ़िए, आराम से देखिए, फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, करियर मोड की बात कर रहा हूँ था मैं, तो करियर मोड में एक और बात आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको बैटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, टाइमिंग में आ रही है, किसी भी चीज़ में आ रही है, उसका बेस्ट ऑप्शन है फर्स्ट क्लास मैचेस। हमने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और बहुत बुरे खेले, अभी भी बुरे ही खेल रहे, कोई बहुत अच्छे नहीं खेल रहे, लेकिन एक चीज़ सोच के आता हूँ मैं फर्स्ट क्लास मैचेस में कि भैया आउट नहीं होना है, कोशिश करना है आउट नहीं होना है। हालांकि आज वाली वीडियो में भी हम 0 पे ही आउट हो गए थे, बट कोशिश होती है कि आउट नहीं होना है। लास्ट जो हमने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे उसमें अगर आप देखेंगे, मैंने बहुत बॉल्स खेली थी, 70-80-90 बॉल्स खेली थी, रन बहुत थोड़े बनते थे, बॉल्स ज़्यादा खेली थी, और कोशिश यही थी कि भैया सीधे बैट से खेलो, टाइमिंग बेटर करो, अपनी टाइमिंग बेटर करो। वनडे T20 में ये ईजी नहीं है, क्योंकि आपको रन्स भी लेने होते हैं, और T20 में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, वनडे में तो चलिए फिर भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, लेकिन फर्स्ट क्लास बेस्ट प्लेस है ऐसी चीज़ के लिए, टेस्ट मैचेस फर्स्ट क्लास। आपकी टाइमिंग अगर ख़राब है
तो फर्स्ट क्लास में ज़्यादा बॉल्स खेलना, सोच के आइए कि भैया आउट नहीं होना है मुझे, रन्स का भूल जाइए, आउट नहीं होना है। उससे आपकी जो क्योंकि एक्सपीरियंस की बात है यार, जितना गेम खेलते जाओगे, एंड ऑफ द डे है तो गेम ही है, जितना खेलते जाओगे उतने बेटर होते जाओगे। तो जितनी ज़्यादा बॉल्स आप फर्स्ट क्लास में खेल लोगे उतना आपको फ़ायदा देगा। और सीधे बैट से खेलने की कोशिश कीजिए, असली में भी यही होता है, सुना होगा आपने कि अगर आप आउट ऑफ फॉर्म चले गए हैं तो कोशिश कीजिए कि सीधे बैट से खेलिए, और वही इसमें मिड ऑफ मिड ऑन की तरफ खेलते जाइए आराम से, और आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमें हुआ है, आई होप आपको भी होगा यार। अगली बात करता हूँ मैं यार कॉन्फिडेंस मीटर की। हर गेम में जितनी भी क्रिकेट की गेम्स है आई थिंक सब में कॉन्फिडेंस मीटर रहा है, लेकिन इतना इफेक्टिवली मैंने नहीं देखा है जितना इस गेम में देखा है। एक बार आपका कॉन्फिडेंस ग्रीन में आ जाता है, आपके शॉट्स मच बेटर लगते हैं रेदर देन शुरू में। शुरू में भी मार सकते हो, चौके छक्के सब लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है तो आप खुद देखेंगे आपके बैटिंग में बहुत फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं यार, मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे पॉइंट्स, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, लिख के बैठा हूँ यार, उससे बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल वे में बोल रहा हूँ। चलिए मजाक एक साइड है, तो डिफ़िकल्टी के बारे में हमने बात कर ली, स्लाइडर्स के बारे में कर ली, फुटवर्क के बारे में कर ली, शफल के बारे में कर ली, एक चीज़ रहेगी स्ट्रॉन्ग साइड। कोशिश कीजिए अपनी एक स्ट्रॉन्ग साइड बना लीजिए। हमारी ऑफ साइड है तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा शॉट्स ऑफ पे खेलें, क्योंकि एक बार अगर आपकी ऑफ जैसे स्ट्रॉन्ग साइड जो भी है वो एक बार आपकी सही हो जाएगी तो आपका बाकी साइड्स खेलना भी इजी हो जाएगा। एक साइड अपनी पक्की बना लीजिए कि भैया ऑफ की बॉल तो मैं छोड़ने वाला ही नहीं हूँ, लातों की बॉल भी मैं आराम से खेल सकता हूँ लेकिन ऑफ नहीं मैं छोड़ने वाला, ऐसा मतलब अपना एक पक्का बना लीजिए। हम टच वुड ऑफ पे अच्छा खेलते हैं, मुझे याद है मेरे ब्रदर है वो ये गेम तो नहीं एशिज बहुत खेलते थे, बहुत भी नहीं चलिए एशिज खेलते थे, तो उनकी लेग साइड बहुत स्ट्रांग थी, हम आपस में भी खेलते थे तो वो हर बॉल घुमा देते थे लेग साइड पर किसी भी तरह। तो एक स्ट्रांग आपकी साइड होना बहुत ज़रूरी है, तो चाहे सीधा हो गया, ऑफ साइड हो गया, लेग साइड हो गया, तो कोशिश कीजिए अगर रन नहीं आ रहे हैं तो ज़्यादा शॉट्स उसी साइड के लिए, रन ईजली आएंगे। बेसिक सी बात है यार, ये बहुत बेसिक है बट बता नहीं दी मैंने, चलिए बता दी। फर्स्ट क्लास मैचेस के बारे में बोल दिया, बाकी कंट्रोल और फुटवर्क के बारे में बोल दिया, कॉन्फिडेंस के बारे में बोल दिया, आई थिंक मैंने काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिया है। अगर यार कोई पॉइंट मैं भूल चुका हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, अगर आपको कोई पॉइंट पता है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, जिससे बैटिंग बेटर हो रही है। डिफ़िकल्टी ईजी करना मत बताना क्योंकि वो मुझे भी पता है, उससे तो बैटिंग ईजी हो ही जाएगी, लेकिन एक मन होता है ना कि हार्ड हार्ड डिफ़िकल्टी की तरफ जाते जाए यार और अच्छा खेले उस डिफ़िकल्टी में, वही कोशिश है। तो आई थिंक ये टिप्स शायद आपको हेल्प कर जाएंगे, हमारे बैट्समैन को करियर मोड में ये बहुत हेल्प की है। उसके अलावा भी मैं T20 मैचेस जो नॉर्मली खेलता हूँ या कुछ भी खेलता हूँ, इन चीज़ों से मुझे फ़र्क पड़ा है। और बेस्ट बताऊँ, अगर आप लेफ्ट हैंडर हो तो बेस्ट है यार, लेफ्ट हैंड बैटिंग इसमें बहुत ज़्यादा बेटर होती है रेदर देन राइट हैंड। पता नहीं क्यों मेरे साथ है या सबके साथ है मुझे ये भी नहीं पता, बट लेफ्ट हैंड से बैटिंग करना इस गेम में बहुत इजी है कंपैरिजन टू राइट हैंड, पता नहीं क्यों। अगर आपने मेरे कुछ मैचेस देखे होंगे जो मैं पूरे सिमुलेशंस डालता हूँ, उसमें हमारे लेफ्ट हैंड बैट्समैन मोस्टली बहुत अच्छा खेलते हैं, तो कई बार दुख होता है कि अपने करियर मोड वाले प्लेयर को लेफ्टी बना लेते, बट असली में मैं लेफ्टी नहीं हूँ तो फ़र्क था। तो चलिए ज़्यादा लंबी मैं इस वीडियो को नहीं करना चाहता हूँ, अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि ज़्यादा डिटेल में बात करनी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, उसके बारे में भी देख लेंगे कैसे करना है। चलिए थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो यार लाइक कर दीजिएगा, कोई भी बात पूछनी है बतानी है तो कमेंट कर सकते हैं मुझे, मुझे क्या वीडियो पे कर सकते हैं कमेंट, और वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।